सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट, है ना। तो जो सॉम सब्जेक्ट होता है वो जनरली सेकंड ईयर में होता है, इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, बहुत सारे ब्रांच में सॉम सब्जेक्ट होता है, है ना। तो ये जो सॉम सब्जेक्ट होता है उसका जो SFD BMD चैप्टर है ना, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बारे में, उसका एकदम बेसिक चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। तो स्पेसिफिकली ये वीडियो जो है वो इंजीनियरिंग के सॉम सब्जेक्ट के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, है ना। तो अभी ये जो सॉम हम लोग सीखने वाले हैं, जो SFD BMD का जो पार्ट आज हम लोग सीखने वाले हैं, उसमें आज हम लोग कुछ बेसिक चीजें देखने वाले, है ना। बेसिक चीजें मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स कौन से होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, है ना। फिर उसके बाद मेन जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो है कि UDL, है ना, तो UDL को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं पॉइंट लोड में, है ना। फिर उसके बाद जो UVL होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो UVL होते हैं, UVL में भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं ना, तो उसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करना है ना। तो इतना सारा हम लोग आज ये हमारे वीडियो में देखने वाले, और एकदम बेसिक सा वीडियो। अगर ये वीडियो देखेंगे तो आगे के वीडियो और प्रॉब्लम्स अच्छे से आप कर पाओगे, है ना। तो चलो एंड तक वीडियो देखना तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा SFD BMD का। ओके, तो चलो विदाउट डिले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सब में फर्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स कौन से होते हैं ना। जैसे मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर आपका हुआ तो मैकेनिक्स में आपको हुआ है, या डिप्लोमा से आप हो तो डिप्लोमा भी आपको सॉम में ये बेसिक चीजें हुई हुई है ना, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिविजन ले रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग को जैसे पता है कि फर्स्ट होता है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना। जैसे कि ये ऊपर की फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रही है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसमें क्या होता है यहाँ पे दो सपोर्ट्स होते हैं, है ना, स्पैन ऑफ लेंथ जनरली एल हम लोग कंसिडर करते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ बीम होता है हमारा कैंटिलीवर बीम, है ना। अब कैंटिलीवर बीम मतलब क्या होता है, कैंटिलीवर बीम मतलब ऐसा बीम जिसमें एक एंड उसका फिक्स रहेगा और दूसरा एंड कैसा रहेगा, फ्री रहेगा, है ना। जनरली सेकंड एंड उसका फ्री होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गैलरी है, ओपन टेरिस है ना, या फिर सज्जा वगैरह, तो ये सारे किसमें आते हैं, ये कैंटिलीवर बीम में आते हैं। ओके, अब थर्ड है हमारा ओवरहैंगिंग बीम, है ना। अब ओवरहैंगिंग बीम मतलब क्या, हैंग मतलब क्या, हैंग मतलब लटकना, है ना। तो ओवरहैंगिंग मतलब आगे, मतलब जो भी सपोर्ट है, सपोर्ट से आगे अगर बीम जाके लटक रहा है, हैंग हो रहा है ओपन विदाउट एनी सपोर्ट, तो है ना, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं ना। अब यहाँ पे जो आपको बीम का डायग्राम दिख रहा है, ये टू साइड ओवरहैंगिंग है ना, मतलब सपोर्ट यहाँ पे सी और डी पॉइंट पे सपोर्ट है, तो बी पॉइंट देखो डी टू बी इधर ओवरहैंग है और सी टू ए भी इधर क्या है, ओवरहैंग है ना। मे भी हो सकता है कि सिर्फ एक साइड ही ओवरहैंग हो, है ना, सिर्फ लेफ्ट साइड ओवरहैंग हो या राइट साइड ओवरहैंग हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा ओवरहैंगिंग बीम, है ना। या फिर इसी को हम लोग अगर मोर देन टू सपोर्ट रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस बीम भी बोलते हैं, है ना। ओवरहैंगिंग बीम में ही और एक कैटेगरी आता है जिसमें अगर मोर देन टू सपोर्ट रहेंगे बीम को, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूस बीम भी बोलते हैं, है ना। अब देखो कंटिन्यूस बीम का एग्जांपल लेंगे तो बड़ा फंक्शन हॉल रहेगा जिसमें बहुत सारे पिलर्स आपको दिखते हैं नीचे, पार्किंग लॉट्स वगैरह, है ना। तो वहां पे कंटिन्यूस बीम जनरली हम लोग यूज करते हैं, जहां पे मोर देन बड़ा सा बीम रहेगा उसमें मोर देन टू सपोर्ट्स होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड बीम, है ना, लास्ट वाला। इसके दोनों भी दोनों के दोनों एंड कैसे है, फिक्स है, है ना। जैसे कैंटिलीवर में एक एंड फिक्स था, वैसे यहाँ पे दोनों के दोनों एंड फिक्स होते हैं, इसको फिक्स्ड बीम बोलते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे कि हमारे वॉल है ना, वॉल का जो बीम है दोनों साइड कॉलम रहते हैं, दोनों साइड वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, तो वो फिक्स बीम के कैटेगरी में आता है ना। तो ये हो गए कुछ टाइप्स ऑफ हमारे बीम्स, है ना। अब टाइप्स ऑफ सपोर्ट कौन से होते हैं ना। जैसे हम लोग को पता है कि सब में पहला सिंपली सपोर्ट होता है ना, तो इसका कोई हम हमारे पास स्पेसिफिक नोटेशन नहीं होता है, सिंपल हम लोग वहां पे एरो दिखा के रिएक्शन बताते हैं, है ना। अब दूसरा होता है हमारा हिंज सपोर्ट, है ना। हिंज सपोर्ट को हम लोग इस तरह से ट्राइंगल बना के यहाँ पे फिक्सिंग का सिंबल बताते हैं नीचे ना, तो ये होता है हिंज सपोर्ट, है ना। उसके बाद सेकंड होता है रोलर सपोर्ट, है ना। अब रोलर सपोर्ट को हम लोग दो तरह से डिनोट करते हैं, है ना। एक तो रोलर सपोर्ट को यहाँ पे छोटे ट्रायंगल में हिंज सपोर्ट के नीचे रोलर बता के उसको फिक्स बताते हैं, या फिर सिंपल एक सर्कल बताएंगे नीचे लाइन और ऐसे फिक्स बताएंगे ना। तो ये दोनों भी सिंबल रोलर सपोर्ट के हैं जो प्रॉब्लम में आपको देखने मिलेंगे। ओके, अब ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में ना, शॉर्टकट में देखना है हम लोग, ज्यादा ब्रीफ नहीं जाना है ना। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ लोड्स, है ना, कौन से टाइप के लोडिंग होते हैं। सबसे फर्स्ट तो होता है हमारा पॉइंट लोड, है ना। अभी पॉइंट लोड जो होता है वो लोग हम लोग ऐसे एरो से डिनोट करते हैं ना, जैसे ये एरो है, ये पॉइंट लोड इस तरह से डिनोट किया जाता है ना। उसके बाद सेकंड होता है UDL, है ना।
दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना। अब यूडीएल क्या होता है, यूडीएल आपको प्रॉब्लम में देखने मिलेगा, दो टाइप से आपको डिनोट किया जाएगा, है ना। डिग्री में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, तो देखो ये भी सिंबल यूडीएल का ही है, है ना, ऐसा स्क्वायर रहेगा, एरोस बताएंगे ये भी यूडीएल है, ओके, और ये भी यूडीएल ही है, ये दोनों सिंबल यूडीएल के ही है, ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो यूडीएल मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब क्या रहता है, सिंपल की हर एक पॉइंट पे ना थ्रू आउट द स्पैन लेंथ, है ना, ये थ्रू आउट द स्पैन लेंथ हर एक पॉइंट पे जो भी लोड रहेगा बीम के वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको बोलते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना। जनरली जो वाटर का प्रेशर होता है, लिक्विड का प्रेशर होता है, वो यूनिफॉर्म होता है ना, जैसे उसको यूडीएल ऐसे कंसिडर हम लोग कर सकते हैं, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है यूवीएल, है ना। अब यूवीएल इसके नाम से इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, है ना, जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था वैसा यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड था, है ना। अब ये आपको सॉम में नया टाइप्स ऑफ जो लोड है वो देखने मिलेगा, है ना। जैसे कि हम लोग मैकेनिक्स और डिप्लोमा में हम लोग को यूवीएल के प्रॉब्लम नहीं होते, है ना, लेकिन इंजीनियरिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको यूवीएल के प्रॉब्लम देखने मिलेंगे, है ना। और ये यूवीएल को कैसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है वो भी आपको यहाँ पे सीखना है, जो हम लोग नेक्स्ट अभी देखने वाले, ओके। देखो यूवीएल इस तरह से देखो ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, या फिर यहाँ पे यूडीएल प्लस यूवीएल ऐसा भी होता है, इस तरह का भी लोड आएगा, है ना। तो ये सारा यूवीएल का फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट और टाइप्स ऑफ लोड्स कैसे होते हैं वो हम लोग को यहाँ पे शॉर्टकट में हम लोगों ने देखा। अब तो देखो सब में फर्स्ट हम लोग देखते हैं यूडीएल, हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द यूडीएल इनटू पॉइंट लोड। देखो यूडीएल को हम लोग पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर एक हम लोग को क्या कर दिया उसने, यूडीएल दे दिया है थ्रू आउट द बीम, ओके, यूडीएल दिया है। और ये यूडीएल है सपोज हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है, है ना। और जो लेंथ ऑफ स्पैन है, स्पैन का जो लेंथ है थ्रू आउट द स्पैन का लेंथ है सपोज हमारा 5 मीटर, ओके। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड में, है ना। और आप लोग को ये भी पता है कि जब यूडीएल को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो पॉइंट लोड आता है वो कहां पे आता है, जितने स्पैन पे यूडीएल है उस स्पैन के एग्जैक्टली सेंटर पे वो एक्ट होता है, ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं, ओके। देखो अब यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, देखो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हम लोग को क्या करना होता है, जो भी लेंथ है यूडीएल, कितने का यूडीएल है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। देखो इसके यूनिट से आपको समझ में आता है कि ये किलो न्यूटन पर मीटर है, पर मीटर मतलब 1 मीटर के लिए, है ना, मतलब 1 मीटर स्पैन पे 10 किलो न्यूटन का लोड है ना। लेकिन हमारे पास स्पैन कितना है, 5 मीटर का स्पैन है ना, तो 5 मीटर स्पैन पे कितने किलोमीटर का लोड रहेगा, 10 × 5, ओके, सिंपल है ना। तो लोड इंटू यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए लोड इंटू लेंथ है ना, दैट इज 10 × 5, तो कितना आ जाएगा, 50 किलो न्यूटन, है ना। अबे 50 किलो न्यूटन का लोड कहां पे एक्ट होगा, इट इज एल बाय टू, मतलब ये 5 मीटर है तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। और ये पॉइंट लोड कहां पे एक्ट होगा, एग्जैक्टली सेंटर पे, यहां पे ना 50 किलो न्यूटन का लोड एक्ट होगा, ये यूडीएल यहां से अभी हट गया है ना, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो चुका है। और ये कहां पे एक्ट होगा, एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस में, मतलब यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 मीटर और इधर भी ये डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 मीटर, ओके, एग्जैक्टली सेंटर में एक्ट होगा। समझ में आया यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते, ये तो हम लोगों ने पहले भी सीखा है, इजी था। अब हम लोग को मेन जो चीज है वो सीखना है कोर की, यूवीएल, है ना, यूवीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो यूवीएल रहेंगे तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड में, जो प्रॉब्लम में आते हैं जनरली, है ना। तो वो कॉन्फ़िगरेशन आज अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ना। तो सब में फर्स्ट हम लोग देखते हैं सिंपल वाला यूवीएल हमारा, अभी वापस इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे सपोज एक ऐसा यूवीएल है ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये वाला हमारा यूवीएल है मान लो, ओके। और यूवीएल का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। अब देखो यूवीएल है हमारे पास 10 किलो न्यूटन का और स्पैन कितना है, 5 मीटर का। अब यूवीएल को हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है ना। अब यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, है ना, सिंपल। अब ये यूवीएल आपको किस तरह से दिख रहा है, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना, बराबर ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। तो यूवीएल का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल है ना,
इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग को निकालना है, सिंपल है ना। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हम लोग को निकालना है। अब ट्राइंगल का एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। अब देखो तो यही होने वाला है हमारा पॉइंट लोड W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब क्या आएगा इसका लेंथ, कितना है लेंथ 5 मीटर, ओके। अब इसका हाइट मतलब ये वाला मैक्सिमम जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है 10 है ना, तो 5 इंटू 10, ओके। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 क्या होगा 50 है ना, 50 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 25 किलो न्यूटन है ना। तो देखो UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, कितना आ गया 25 किलो न्यूटन है ना। अब ये एक्ट कहां पे होगा, किस कितने डिस्टेंस पे इसको हम लोग लगाएंगे, जैसे UDL रहता तो सेंटर में हम लोग लगा देते थे ना, अब ये कहां पे एक्ट होगा, ये एक्ट होगा एट द सीजी ऑफ दैट ट्राइंगल है ना। ये जो ट्राइंगल है इसका जो सीजी रहेगा है ना, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे रहता है, बेस से एच बाय 3 डिस्टेंस पे है ना। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे याद रखना है। देखो तो यहाँ पे आप लोग को इधर किधर एक लोड बता देना है ऐसे है ना, ये हो गया हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट W जिसकी वैल्यू है 25 किलो न्यूटन, ओके। अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, इसका डिस्टेंस यहां से जो भी ये वर्टिकल लाइन रहेगी है ना, देखो अब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का देखो यहाँ पे स्मॉल एंड है और यहाँ पे वर्टिकल बेस है इसका, वर्टिकल लाइन, तो यहां से इसका जो डिस्टेंस रहेगा ये कितना रहेगा, ये रहेगा एच बाय 3 डिस्टेंस है ना, ये कितना रहेगा एच बाय 3 डिस्टेंस। यहाँ पे आप लोग इसको एल बाय 3 बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एल बाय 3, आपके लिए इजी हो जाएगा, ओके। लेकिन फॉर्मूला वही है, ट्राइंगल का सीजी कहां पे रहता है, एच बाय 3 डिस्टेंस, मतलब हाइट से 3 डिस्टेंस। अगर हम लोग ऐसे फॉर्मूला देखेंगे इसको है ना, यही ट्राइंगल को अगर हम लोग ऐसे वर्टिकल कर देंगे यहाँ पे है ना, तो अब यहाँ पे देखो ये 10 है और ये एल कितना है 5 है ना, और हमारा जो लोड एक्ट हो गया है वो यहाँ पे एक्ट हुआ इधर किधर है ना, 25 किलो न्यूटन है ना। इसको स्क्रीन को ऐसे घुमा दो है ना, तो अभी देखो ये ऐसा डायग्राम नजर आएगा आपको है ना। अब देखो हमको पता है जो भी ट्राइंगल का सीजी होता है वो कहाँ पे होता है, बेस से एच बाय 3 डिस्टेंस पे होता है ना। ये हाइट क्या हो जाएगी, ये एच बाय 3 होगी, बराबर। तो हाइट यहाँ पे कितना है, एच मतलब कितना 5 है यहाँ है ना, यहाँ पे एच मतलब कितना ये वाला एल है ना, यहाँ पे एच मतलब एल कंसिडर कर, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ओके okay? तो यहाँ पे ये क्या 5 है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस आएगा हमारा h बाय 3 मतलब 5/3 है ना, कितना आ जाएगा डिस्टेंस 5/3 है ना। तो ये हो जाएगा l बाय 3 दैट इज 5/3 है ना, तो ये वाला डिस्टेंस रहेगा हमारा यहाँ पे 5/3 है ना, तो ये वाला डिस्टेंस आ गया। अब यहां से देखो ये जो स्मॉल एंड है यहां से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ये वाला डिस्टेंस भी हमको चाहिए होता है क्योंकि मोमेंट लेना है आगे है ना, एसएफडी बीएमडी निकालना तो मोमेंट डायग्राम निकालना पड़ेगा है ना, तो मोमेंट लेने के लिए हम लोग को हर एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए है ना। तो अब ये डिस्टेंस कितना है ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या है हम लोग को पता है ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल है एल लेंथ, एल मतलब 5 मीटर है टोटल ना, तो इसमें से ये इधर वाला डिस्टेंस एल बाय 3 माइनस कर दिया हम लोगों ने, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा हम लोग को है ना, टोटल है 5, तो 5 में से आगे का 5/3 क्या करना है हम लोग को, माइनस कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है ना, तो वही हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले अभी करने वाले है ना। तो देखो इधर से ए से है ना, दिस 5/3 डिस्टेंस इज फ्रॉम एंड बी है ना, अब एंड ए से अगर हम लोग को ये पॉइंट लोड का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 - 5/3 है ना, ये टोटल में से ये आगे का माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 5 × 3 = 15, 15 - 5 / 3 है ना, तो क्या हो जाएगा 10/3, तो ये डिस्टेंस आ गया हमारा 10/3, ओके। समझ में आया कैसे यूडीएल को हम लोग यूवीएल में कन्वर्ट, यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे और उसका डिस्टेंस पता करेंगे कहां पे वो एक्ट होता है, उसका लोकेशन पता चला, ओके। अब ये तो हो गया सादा सिंपल सा एक यूवीएल था हमारा है ना। अब यूवीएल और अलग तरीके से भी हम लोग को पूछ सकता है ना, जो हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले। देखो तो सपोज अगर यूवीएल हम लोग को कुछ अलग तरीके से पूछ लिया है ना, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए है, ये बी है, ओके। अब यूवीएल आ गया हमारा इस तरीके से, ओके मान लो, ओके
यहां पे इसका वैल्यू है 20 किलो न्यूटन पर मीटर और यहां पे इसका वैल्यू है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। और ये जो लेंथ ऑफ स्पैन है ये है हमारा अगेन 4 मीटर ले लेते हो, चलो ये 4 मीटर है। ओके, अब ये यूवीएल को हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो, अब यहां पे ये वाला जो यूवीएल है यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो चीजें दिखेंगी, यहां पे यूडीएल भी है प्लस यूवीएल भी है, है ना। क्या है? यूडीएल भी है प्लस यूवीएल भी है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है? इसको सिंपल आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फिगर्स में आपको कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फिगर्स मतलब सिंपल ट्रायंगल और रेक्टेंगल, है ना। ट्रायंगल और रेक्टेंगल में इसको कन्वर्ट करना है आपको। देखो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, यहां से मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा तो ये कन्वर्ट हो गया, है ना। नीचे वाला ये एक रेक्टेंगल बन गया और ऊपर वाला ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, सिंपल। ओके, अब ये नीचे वाला ये जो रेक्टेंगल है ये क्या है, इट इज नथिंग बट यूडीएल, सिंपली, है ना। और ये जो ऊपर वाला जो है ये क्या है, ये है हमारा यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, सिंपल। ओके, या फिर सिंपल आपको क्या करना है, इतना जो ये रेक्टेंगल है इसका पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दो पहले, ये जो रेक्टेंगल इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये रेक्टेंगल का हाइट कितना है, है ना, 10 है, और ये रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 4 है ना। बेस इंटू हाइट, है ना, या फिर बी इंटू डी, विड्थ इंटू डेप्थ रहता है इसका फॉर्मूला, है ना। तो अब ये रेक्टेंगल को भी कैसे कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड में, रेक्टेंगल का एरिया, सिंपल, है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बी इंटू डी या बी इंटू एच, जो भी ले लो हम लोग फॉर्मूला। तो पॉइंट लोड इसका क्या हो जाएगा, सिंपल, बेस, इसका बेस कितना है, 4 इंटू डी, डेप्थ या हाइट कितनी है इसकी, 10 है, तो 4 × 10, है ना। 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40 किलो न्यूटन। ओके, अब ये 40 किलो न्यूटन का लोड हो गया। अब ये 40 किलो न्यूटन का लोड एग्जैक्टली कहां पे एक्ट होगा, है ना। अब सिंपल सी चीज है, देखो ये वाला क्या है, रेक्टेंगल है। मुझे बताओ रेक्टेंगल का सीजी कहां पे होता है, सेंटर में होता है। रेक्टेंगल का सीजी कहां पे होता है, सेंटर में, है ना। अगर ये मान लो ये इसका बेस है तो इधर से बी बाय टू और इधर से बी बाय टू डिस्टेंस पे होता है, बराबर। तो ये रेक्टेंगल का सीजी सेंटर में होता है, तो ये वाला जो पॉइंट लोड रहेगा 40 किलो न्यूटन का, वो कहां पे एक्ट होगा, एग्जैक्टली स्पैन के सेंटर में, है ना। ये 40 किलो न्यूटन एक्ट हो गया, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, यहां से ये रहेगा 2 मीटर और यहां से ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये भी रहेगा 2 मीटर। ओके, समझ में आया ये। अब ये तो वाला, ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया हमारा। नीचे वाले के तो हम लोगों ने क्या कर दिया, जो यूडीएल था उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, यूडीएल जैसा ही करना है उसको, बाकी कुछ नहीं करना है ना। अब जो ऊपर वाला बच गया ये वाला, है ना, अब इसको भी तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे दो चीजें हो गई ना, यूडीएल भी आ गया, यूवीएल भी आ गया, तो दो पॉइंट लोड बनेंगे उसके, है ना। अब देखो, अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल, ये एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे सब में ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, ध्यान से देखो क्या है। अब ये जो ट्रायंगल है ऊपर का, इसका जो हाइट है वो यहां से यहां तक है, ये इसका हाइट है ट्रायंगल का, है ना। और इसका बेस तो 4 मीटर है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ या फिर बेस बोलो, ये 4 मीटर है। ओके, ये इसका हाइट है। अब मुझे बताओ यहां पे लोड की वैल्यू कितनी है, यहां ये और ये सेम लाइन पे, तो यहां पे लोड की वैल्यू है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। और एग्जैक्टली यहां पे लोड की वैल्यू कितनी है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये जो 20 है ये कहां से, रेफरेंस, विद रेफरेंस, ये बेस लाइन से, बेस लाइन से यहां तक फोर्स की वैल्यू कितनी है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। और बेस लाइन से यहां तक फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। लेकिन हम लोग को ये वाला चाहिए, हाइट इतना ही चाहिए, क्योंकि नीचे का तो हो गया काम, उसका काम खत्म हो गया, वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब हम लोग को क्या चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए, ये वाला। ये कैसे मिलेगा, तो सिंपल देखो, यहां पे समझ लो, यहां से यहां तक का ये जो लोड है ये है 20, है ना, और यहां से यहां तक का जो लोड है, बेस से यहां तक का, ये है 10, है ना। अब ये 20 है, ये 10 है, ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा 20 है, तो 20 में से ये 10 को माइनस कर दो, है ना। क्या करना है, ये 20 में से ये 10 को माइनस कर दो, तो यहां पे ये एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। एच की वैल्यू कितनी आएगी, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर इसके हाइट को तुमने 20 अगर ले लिया तो पूरा प्रॉब्लम वहां पे गलत हो गया, समझ में आया।
तो इसके लिए अब सिंपल ये ट्रायंगल को मैं इधर वापस से ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे इसकी हाइट कितनी रहेगी, अब 10 किलो न्यूटन पर मीटर रहेगी। 20 क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि नीचे का जो यहां तक का हाइट 10 है, ये तो माइनस करना पड़ेगा ना अपने को टोटल हाइट में से, क्योंकि ये जो 10 था इसको तो हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया ऑलरेडी ना, तो अब बचा सिर्फ ये वाला हाइट, तो ये 20 में से 10 गया, ये ऊपर का ये 10 बचा, तो इसका हाइट 10 है और इसका बेस कितना है, बेस तो 4 ही है, वो नहीं चेंज होगा है ना, और हाइट 10 है। ओके, अब इसको कन्वर्ट करो, सिंपल क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब देखो पॉइंट लोड W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस कितना है इसका 4 है और हाइट कितनी है 10 है। ओके, तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 20 किलो न्यूटन आ गया, पॉइंट लोड में आ गया। अब इसको कहां पे एक्ट होगा, सीजी पे, सीजी कहां पे रहेगा, इधर बेस के थोड़ा सा नजदीक होता है सीजी है ना, 20 किलो न्यूटन का लोड यहां पे एक्ट होगा है ना। ओके, अब इसी को यहां पे आप बता सकते हो, यहां पे लोड एक्ट हो रहा है ये वाला 20 किलो न्यूटन का, राइट है। अब इसका डिस्टेंस यहां से कितना रहेगा, यहां से कितना रहेगा, h/3 है ना, h/3 या फिर l/3 आप याद रखोगे बेटर रहेगा है ना, फिर h में आप कंफ्यूज हो गए, ये वाला s था कि ये वाला था है ना, तो l/3 याद रखो, इधर से फॉर्मूला क्या है, जो वर्टिकल लाइन है वहां से l/3 और जो पॉइंट रहेगा ये इधर से 2l/3 कितना रहेगा, 2l/3। ओके, तो देखो सिंपल, यहां से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा l/3 दैट इज 4/3। ओके, और अब यहां से डिस्टेंस कितना रहेगा, इधर से ये डिस्टेंस अगर हम लोग को निकालना है ये वाला, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, सिंपल ये टोटल l है, l में से l/3 माइनस कर दो है ना, तो देखो l-l/3 अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3l-l/l, तो मतलब क्या हो जाएगा 2l/3, तो ये वाला डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, ये होता है 2l/3 होता है ना, तो 2l/3 मतलब 2 × 4/3 मतलब 8/3 आ जाएगा ये डिस्टेंस है ना, और ये डिस्टेंस कितना रहता है l/3, देखो ये वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस का l/3 और ये पॉइंटर से कितना रहता है 2l/3। ओके, फॉर्मूले जैसा याद रखना है। ओके, समझ में आइए, अब और एक कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं यूवीएल का है ना, बच्चे गलती इसी में करते हैं, यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने में ही गलती करते हैं। ओके, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती कर दिया तो 10 मार्क्स चले गए है ना, अगर 10 मार्क्स चले जाएंगे तो 70-80 मार्क्स का पेपर होता है हमारा है ना, उसमें से 10 मार्क्स जाएंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है उसकी। ओके, तो अब देखो और एक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा ट्रायंगल है, अब देखो है ना, अब ये वाली सिचुएशन है ना, वैल्यू वही है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 4 मीटर और ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर। ओके, अब सेंटर में नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को इसको दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये वर्टिकल लाइन मार दो, इधर एक ट्रायंगल बन गया, इधर एक ट्रायंगल बन गया। ओके, तो ये इसका बेस है 4 और हाइट कितना है इसका 20 है। ओके, और इसका बेस 2 है और इसका हाइट कितना है 20 है, तो दोनों के दो पॉइंट लोड बनेंगे यहां पे। ओके, अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है ना, इसको इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2 है ना, तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल के लिए A1 इज इक्वल्स टू W1 है ना, इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इसका कितना है 4 और हाइट कितनी है, हाइट इज 20। ओके, तो देखो 4 × 2 = 80 है ना, 80 ये देखो, ये 2 × 2 = 4 और 2 × 20 कितना हो गया 40 किलो न्यूटन है ना, तो यहां पे इधर किधर एक लोड आ जाएगा, पॉइंट लोड जो रहेगा 40 किलो न्यूटन का है ना। अब यहां से ये डिस्टेंस रहेगा 2l/3 और यहां से डिस्टेंस रहेगा l/3 है ना, और l मतलब क्या है 4 मीटर है, ये तो आपको पता है। ओके, अब उसी तरह से ये वाला पॉइंट लोड, यहां का पॉइंट लोड हम लोग को निकालना है ये वाला है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस A2 इज इक्वल टू W2, फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट है, तो यहां पे देखो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इज 2 मीटर एंड हाइट इज 20। ओके, 2 गेट कैंसल, तो यहां पे हम लोग को मिल गया 20 किलो न्यूटन का सेकेंड वाला लोड, ये वाला पॉइंट लोड आ गया 20 किलो न्यूटन।
वापस इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, देखो इसका डिस्टेंस, ये जो इसका पॉइंट लोड यहाँ पे है, ये लाइन से यहां तक का डिस्टेंस रहेगा एल बाय थ्री, और ये डिस्टेंस रहेगा टू एल बाय थ्री, और यहां पे एल रहेगा टू मीटर। समझ में आया? तो अब बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देख लिए कि मैक्सिमम पॉसिबल जो वेरिएशंस आते हैं प्रॉब्लम में वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। जनरली एग्जाम में जो प्रॉब्लम आता है उसमें यूवीएल का लोड रहता ही है, यूवीएल के साथ यूडीएल भी पूछ ले, ऐसे भी हो सकता है ना। और एक चीज होती है इंटरनल हिंज, है ना। इंटरनल हिंज क्या होता है वो हम लोग प्रॉब्लम में ही देखेंगे आगे जब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज हम लोगों ने सीखा कि सब में मेन आज के मेन टॉपिक था कि यूवीएल को यूडीएल में कैसे, यूवीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग को मेन सीखना था। ओके, देखो अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।